अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके हमारे अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। स्वच्छ हैदराबाद मिशन की पहल के बाद शहर के मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने जुम्मा को शहर भर में काम करने वाले सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट्स के साथ एक जायजा मीटिंग की और इन्हें शहर को साफ सुथरा और सरसब्ज रखने की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान मेयर ने इस बात की निशानदेही की है कि कुछ निगरानों को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए और सबको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और हैदराबाद को साफ सुथरा शहर बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए। SFAS और टीमों को हर रोज स्वच्छ ऑटो गाड़ियों की हाजिरी दर्ज करानी चाहिए। सफाई के कारकुनों की हाजिरी भी रोजाना की बुनियाद पर ली जाएगी और अगर SFAS हाजिरी के मामले में बेकायदगी के मर्तकब हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने SFA को ये भी हिदायत दी कि शहर भर में बस शेल्टर को बाकायदगी से साफ किया जाए और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए वक्तन वक्तन हदूद के पार तामीराती कचरे को साफ किया जाए। इसने सुपरवाइजर से ये भी कहा कि वो सड़कों पर कचरा और तामीराती फजला फेंकने वालों पर जुर्माना आयद करे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के मुताबिक GHMC में 18,000 से ज्यादा सैनिटरी कारकुन काम कर रहे हैं और शहरी अदारा सफाई में मसलसल इकदाम कर रहे हैं। SFA को कचरा जमा करने के लिए घर घर स्वच्छ ऑटोज का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट में इसके मजीद तफसीलात।